नावर फारूखी ने पछाड़ दिया है बाबू भैया को। एक्चुअली में किंग एंड क्वीन का जो कंपटीशन है वो भी चल रहा है, तो अब उस कंपटीशन के बारे में मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगी। पर अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मोहल्ले का कौन सा कंटेस्टेंट है सबसे विटी एंड स्मार्ट। ये क्वेश्चन जो कि जियो सिनेमा ने पूछा है ट्विटर हैंडल पे, और उन्होंने बहुत 5 ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे ज़्यादा विटी एंड स्मार्ट किसको बोला है यहाँ पर, तो मुनावर फारूखी को ही बोला है। कितने लोगों ने एक्चुअली में वोट किया है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और तो और मैं आप लोगों को ये भी चीज़ बता दूं कि ऐसे जब पोल्स डलते हैं ना, यहाँ पर हमेशा बाबू भैया पीछे ही रह जाता है। पर जब दूसरे पोल जैसे बॉस का चलता है, किंग का चलता है, किंग एंड क्वीन का चलता है, उस वक्त बाबू भैया के वोट वाले जो जो एक्चुअली में वोट्स रहते हैं वो सामने आ जाते हैं। और इसीलिए बाबू भैया वहाँ पर हर जगह पर सामने रहता है। बस मेरा कहना ये है कि यहाँ पर बाबू भैया के फैंस जलवा क्यों नहीं दिखाते? अगर वहाँ पर मुनावर फारूखी को हरा सकते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं हराते, बस मुझे ये जानना है। अभी ट्वीट किया है मोहल्ले का कौन सा कंटेस्टेंट है सबसे विटी एंड स्मार्ट, यानी कि क्लेवर और स्मार्ट। तो फर्स्ट है मुनावर फारूखी, 1,22,000 प्लस वोट्स जो है मुनावर फारूखी को मिले हैं। लोगों ने बोला है कि विटी एंड स्मार्ट मुनावर है, और 62,000 प्लस लोगों ने बाबू भैया को बोला है। बाबू भैया के तो ये फैंस होंगे जो बोल रहे हैं मेरे को तो ये विटी एंड क्लेवर नहीं लगता। मनारा के बारे में भी 7,600 लोगों ने बोला है। सना के बारे में भी 3,500 लोगों ने बोला है। अंकिता के बारे में बोला है 3.2K लोगों ने। तो मतलब कि यहाँ पर मैं सच्ची बात बोलूँ तो क्लेवर और स्मार्ट, विटी एंड स्मार्ट तो अंकिता बिल्कुल नहीं है, सना हाँ मैं समझती हूँ, मनारा भी नहीं है, मनारा भी ऐसी करके नहीं है, बाबू भैया तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता विटी एंड स्मार्ट, और मुनावर डेफिनेटली लगता है। तो ये सही रिजल्ट है मेरे हिसाब से। बट आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी किंग एंड क्वीन का जो कॉम्पिटिशन चल रहा है उसमें मुनावर ने पछाड़ा है या किसने पछाड़ा है, या बाबू भैया का जलवा वहाँ पर बाबू भैया की जो ब्रो आर्मी है उसने दिखा दिया है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।